हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपना आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं और ऑफलाइन भर के आप CSE के माध्यम से इस आय प्रमाण पत्र को कैसे बनवा सकते हैं, और यदि आप अपने मोबाइल से भी बनाना चाहते हैं तो ये सब फॉर्म भर करके और फोटो कैप्चर करके आप अपने फ़ोन से भी ये सब 10 रुपये में मात्र आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो आगे बना दूंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे। तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और उसमें आपका आधार कार्ड और ये स्वयं प्रमाण पत्र ये वाला फार्म भरा जाएगा। ये इसी फार्म को मैं भरना बताऊँगा आज कैसे भरा जाएगा। ये फार्म तो भरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ इसका वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको कागजात कौन कौन से देने होंगे। तो एक तो ये हो गया आय प्रमाण पत्र के लिए स्वयं प्रमाण हेतु घोषणा पत्र, ये जो वाला फार्म लगेगा, और दूसरा आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो। तो ये तीन कागजात आपको आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देने होंगे। तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसमें आपको सबसे पहले एक फ़ोटो चिपका लेना है और उसके बाद आपको ये फार्म भर लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर अपना आप नाम भर दें जो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। तो मैं अब इसमें अपना नाम भर देता हूँ जिसका आप बना रहे हैं, उसका यहाँ पर आप नाम भर दें, और पुत्र पुत्री या पत्नी श्री, तो आवेदक के पिता का नाम या पति का नाम इसमें भर दें। तो इस पर क्लिक कर दें पुत्र, तो इसमें पिताजी का नाम भर दें। तो मैं इसमें अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला कॉलम माता का नाम, तो इसमें आप आवेदक के माता का नाम भर दें। आवेदक की माता का नाम भरने के बाद आपको दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इसमें अपना इस वाले कॉलम में आप अपने गांव का नाम भर दें। यदि आप नगरीय या टाउन क्षेत्र से हैं तो आप इसमें अपने मोहल्ले का नाम डाल दें। तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से हूं तो मैं अपने गांव का नाम डाल लेता हूं। गांव का नाम डालने के बाद आपको आगे ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, इसमें आप अपनी पोस्ट भर लें, आपका जो पोस्ट हो उसका नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तहसील गिन्नौर जिला संभल, आपकी जो तहसील है वो यहाँ पर काट के या दूसरी भी कर सकते हैं। मैं गिन्नौर तहसील से हूँ तो मेरा फार्म ये गिन्नौर तहसील का लिया हुआ है। ये फार्म आप CSE सेंटर से 2 रुपये का फार्म मिल जाएगा, ये आपको उस वहाँ से ले करके इस फार्म को फिल कर लें और आप घर बैठे भी आप ये सब 10 रुपये में मात्र अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आगे एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लेना। तो ये तहसील गिन्नौर जिला संभल का फॉर्म है, तो इसमें ये लिखा हुआ है पोस्ट असदपुर तहसील गिन्नौर जिला संभल का रहने वाला या रहने वाली है। मेरी आय का प्रकार डाल लेना है, आप किसान हैं तो किसान भर दें या मजदूर हैं तो मजदूर। तो मैं इसमें मजदूरी भर देता हूँ। तो आय का प्रकार आप किस प्रकार से आय करते हैं, आमदनी करते हैं, तो इसमें मजदूरी कर देता हूँ। और मजदूरी से कितने रुपए वार्षिक हैं, तो मेरे समय से मैं इसमें 0-0 ही रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप 0-0 ही भरें, क्योंकि कोई इतना लंबा चौड़ा कोई कारोबार नहीं कर रहा होगा लगभग। तो इसमें ये 0-0 लेखपाल साहब अपने आप ही ये सब भर देंगे कि कितनी आय इस बंदे की लगानी है। तो ये सब भरने के बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा प्रतिवर्ष वार्षिक है, मुझे आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, अतः मेरा आय प्रमाण पत्र बनवाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। इसमें कोई भी तथ्य सत्य पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो ये जो आय प्रमाण पत्र है वो आपका स्वयं प्रमाण पत्र है, तो आपको ये सब लिख कर दे रहे हैं कि हाँ कि मैं ये सब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लिख के दे रहा हूँ कि यार मेरे द्वारा भरी गई चीज़ें कुछ असत पाई जाती हैं तो मैं उसका स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इसमें ये सब भरने के बाद आपको यहाँ जिस दिन आप ये फार्म भर रहे हैं उस दिन की तारीख डाल दें यहाँ पर,
तो आवेदक जिस दिन आप फार्म ऑफलाइन जमा करेंगे उस दिन की तारीख डाल दें। तो आज 04/04/2021 है, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप अपना आवेदक का मोबाइल नंबर भर दें, और इससे आवेदक के पास जो रिपोर्ट लगाएंगे लेखपाल साहब वो आपके पास कॉल कर सकें। तो मैं इसमें अपना नंबर भर देता हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये नंबर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाला है, ये नंबर कोई सही नंबर नहीं है। और इसके बाद आप इसमें उस बंदे की जाति डाल लें किस कैटेगरी में आता है। तो मैं ओबीसी में आता हूँ, तो मैं ओबीसी भर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रार्थी नीचे जो प्रार्थी लग रहा है लिख रहा है, इसमें आप प्रार्थी के सिग्नेचर करवा सकते हैं। प्रार्थी जो आवेदक है यदि वो अंगूठा लगाता है यहाँ पर, तो अंगूठा लगवा लें। और उसके बाद यहाँ पर लिख दें अंगूठा निशानी। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पर अगर प्रार्थी सिग्नेचर करता है तो उसके सिग्नेचर आपको करने होंगे। आप सिग्नेचर कर लें यहाँ पर, यदि आप अपना बना रहे हैं तो मैं इसमें सिग्नेचर कर लेता हूँ। और सिग्नेचर करने के बाद आपको ये सब फार्म आपका देख सकते हैं कि पूरा फार्म आपका भर के तैयार हो गया है। तो इसमें इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको इसके साथ आपको एक अपना आधार कार्ड देना होगा, आधार कार्ड की 2 कॉपी, और आधार कार्ड की 2 कॉपी, एक फ़ोटो और एक फार्म, ये तीन फार्म आपके, ये तीन डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटो, दो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। तब आपका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन CSE वाले कर देंगे और आपका 5-6 दिन में बन के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी जानकारी आपको कैसी लगी ये सब कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।